पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का ओनली टेस्ट मैच जिसका आज तीसरा दिन अपने खिताब को पहुंचा। और जैसा कि पिछली वीडियो में यानी कल के दिन की जो वीडियो हमने बनाई थी उसके अंदर में आप सबको हमने साफ साफ बताया था कि अफगानिस्तान जो है 90% मैच हार चुके हैं और वेस्ट इंडीज जो है वो तकरीबन ये 100% ये मैच जीत चुका है, क्योंकि जिस तरीके से रकी और बॉल ने बॉलिंग करी है और मैं समझता हूँ बहुत ही जबरदस्त नया टैलेंट जो है वेस्ट इंडीज ने ढूंढ के निकाला है। बहुत मोटे से है, इनकी फिटनेस जो है वो कुछ अजीब सी है, फिटनेस बहुत ज्यादा मसाइल है इनमें। लेकिन भाई अगर बॉलिंग आप अच्छी कर रहे हो और बैटिंग के अंदर भी आप जो है थोड़े बहुत रन भी बना रहे हो, स्पेशली अगर आप 7 विकेट एक मैच के अंदर में यानी एक इनिंग्स में ले रहे हो और दूसरी इनिंग्स में जो है 46 रन देके 3 विकेट जब आप हासिल कर रहे हो तो आपकी जगह टीम के अंदर जरूर बनती है। तो थोड़ा सा अगर आप फिटनेस के ऊपर में भी काम कर ले तो आपसे अच्छा मैं समझता हूँ कोई बॉलर नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की तारीख में पहली मरतबा एक ऐसा बॉलर इंट्रोड्यूस कराया है जिनका नाम है राकीब फुटबॉल। बड़े जबरदस्त किस्म के जो है ये बॉलर है, लंबे से है, थोड़े मोटे से भी है, फिटनेस इनकी जो है पूरी कंप्लीट नहीं है। लेकिन इधर बात करेंगे अफगानिस्तान की पहले तो गाइस, बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल के ऊपर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन पे आपने जरूर क्लिक करना है ताकि आप स्पोर्ट्स जर्नी की लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन के जरिए हासिल करने में कामयाब रहे। उसके अलावा अगर आप अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के फैन हैं तो आपने कॉमेंट करके जरूर बताना है कि अफगानिस्तान टीम जो है कैसे जो है आइंदा फ्यूचर में जो है बैटिंग के ऊपर में अपना स्ट्रगल नहीं करेगा और बैटिंग के अंदर में अफगानिस्तान की टीम को वाकई में बहुत ही ज्यादा जो है स्किल्स की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरीके से जो है ये मैचेस को हारेंगे और तगड़ा मुकाबला नहीं करेंगे तो आगे जाके और भी ज्यादा मुश्किलें इनके लिए बढ़ती रहेगी। और इधर स्टार्ट लेते हैं, जैसे कि हमने कल की वीडियो में बताया था कि अफगानिस्तान की टीम अगर थोड़ा सा अच्छा टोटल कर लेती है यानी एटलीस्ट 180+ स्कोर करती या 160 भी स्कोर करती मैच तो तकरीबन फिर भी हार जाते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज के अंदर में ऐसा जो खलबलाहट सी जो होती है, प्लेयर्स बहुत जल्दी जो है वेस्ट इंडीज के प्रेशर में आ जाते हैं और अफगानिस्तान की बॉलिंग यूनिट में वो स्पार्क है जो वेस्ट इंडीज की टीम को आराम से जो है प्रेशराइज करके जो है इस मैच को जीतता। चूंकि अफगानिस्तान के कल 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और 3 खिलाड़ी बाकी थे तो फिर भी जो है अफगानिस्तान की टीम ने 120 रन स्कोर किए, जिसके बिना के ऊपर में वेस्ट इंडीज को जो है सिर्फ 33 रन का जो है टारगेट मिला और वो आसानी से जो है इस टेस्ट मैच को जीतने में कामयाब रहे। और यहां तक कि फिर भी अफगानिस्तान ने बॉलर्स ने 1 विकेट जो है वेस्ट इंडीज की निकाल ली, क्योंकि वेस्ट इंडीज के ऊपर में प्रेशर नहीं था। अगर ये 33 रन की जगह पे अगर मैं समझता हूँ 133 होते या एटलीस्ट 150+ का टारगेट होता तो मैच अफगानिस्तान के लिए थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ बन सकता था, लेकिन इधर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। तो खैर फैंस जो है वो मायूस ना हो अफगानिस्तान के लिए, खास तौर पे जो है आगे जाके हो सकता है अफगानिस्तान की टीम इस चीज के ऊपर में काम करे, बैटिंग यूनिट के ऊपर भी थोड़ा सा आपको स्किल्स को प्रोवाइड करे और बॉलिंग के अंदर तो अफगानिस्तान की टीम वाकई में अच्छी है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल के ऊपर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।